السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون" الله رب العالمين ك سورة بقره اية نمبر اكس ودو بارشاد هو واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان और वो उस चीज़ के पीछे लग गए जिसे शयातीन हज़रत सलाम की हुकूमत में पढ़ते थे वमा कफ़र अलैहि सलाम ने ना तो कुफ्र किया था वला शयातीन कफ़र बल्कि ये कुफ्र शैतानों का था सिहर, वो लोगों को जादू सिखाया करते थे अल उनमलक़ैनी बिबाबिल हारुत वारुत और बाबिल में हारुत व मारुत दो फरिश्तों पर जो उतारा गया था वामा युमा नादिन हत्मा नहन फला नकफुर वो दोनों भी किसी शख्स को उस वक्त तक नहीं सिखाते थे जब तक ये ना कह दें कि हम तो एक आजमाइश हैं तुम कुफ्र ना किया करो फिर लोग उनसे वो सीखते मैं युफ़र्र नबी ही बैन अलमर वज़ू जी जिसके जरिए से मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डाल दे। दें और मैं हम ब्री नबी मिनदिनबीदिन और दरअसल वो बगैर अल्लाह की मर्जी के किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते वतमायदर वल्फ़ा जो वो सीखते हैं वो उनके लिए नुकसान ही हैं बल्कि फ़ायदा कुछ नहीं है वल़द आलम लमन लिन खलाक और वो ये भी जानते हैं जो भी इस चीज़ को लेगा आख़रत में उसके लिए कोई हिस्सा नहीं रहेगा वल सम शरबही अनफु सहमलानलम और वह बदतरीन चीज़ है जिसके बदले वो अपने आप को फ़रोख्त करते हैं बेचते हैं काश के वो जानते हैं। अल्लाह रब्लमी दूसरी जगह इरशाद फरमाया वाह जादूगर कहीं से भी आए वो कामयाब नहीं हो सकता वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता हज़रत अबू हर रदी अल्लाह से रिवाय थे नबी करीम सल्लासम ने फ़रमाया तब अनुमत सात हलाक को बर्बाद करने वाले गुनाहों से बचो कलु या रसूल उमा जब अल्लाह के नबी ने कहा साथ हलाक करने वाली चीज़ें हैं उनसे बचो साहबा कराम ने कहा अल्लाह के नबी सल्ह वसम को सात हलाक करने वाली चीज़ें कौन सी हैं कला अल्लाह के नबी वसल्लम ने कहा को बिल्ला पहली चीज़ अल्लाह के साथ शिर्क करना व सि जादू करना व حرم الله हरमल्ल بالحق किसी जान को ना हक मारना किसी को ना हक मारना व अक्रबा और सूद खाना वक्ल मालिल यतीम यतीमों यतीम। का माल खाना वतवल्यो मजहफ़ जंग के दिन पीठ फेर कर भागना वक्तफुलमसना तिलुमना तिलवाफिलात और पाक दामन भोली भाली ख़वात पर औरतों पर बहुतान तराशना या इल्ज़ाम लगाना ये सात हलाक करने वाली चीज़ें हैं जिसे अल्लाह के नबी वम ने हमें हिफाजत से रहने और इनसे दूर रहने का हुक्म दिया मेरे भाई देखिए शरीत इस्लामिया के अंदर जादू एक कबीरा गुना है जादू करना और कराना क्या है एक कबीरा गुना है बल्कि जादू की एक हकीकत भी है इसका असर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमें नज़र आती है तो जादू बर हक है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादू करने से मना किया है इसे क्या नुकसान है कि दुनिया और आखिरत दुनिया और आखिरत दोनों जगह इंसान क्या है नाकाम होता है ना मुराद होता है हलाक व बर्बाद होता है बल्कि उसके आमाल ज़ाय हो जाते हैं वो जादूगर जिनसे क्या है लोग आ, आ, मदद लेते हैं शयातिन से ऐसे जादूगर हैं जो शयातिन से मदद लेते हैं उनकी इबादत करते हैं और शयातिन की रबत हासिल करने की कोशिश करते हैं वो काफिर और मशरक हैं वो काफिर और मशरक हैं ऐसे शख्स के पास नहीं जाना चाहिए और जो कोई भी ऐसे शख़्स के पास जाकर कोई भी बात करता है और उनकी बात की तस्दीक करता है ये तमाम चीज़ें हराम हैं नाजायज़ है, है। शरीत इस्लामिया इस्लाम के अंदर इसकी इजाज़त नहीं है आखिर में रब्बुल रब्लमिन से दुआ है रबालमिन हम तमाम को जादू जैसी कबीरा गुना से महफूज रखे और सही सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तोफ़ी अता फरमाएँ और अपने अकीदे को सही संवारने की तोफ़ी अता फ़रमाएँ आमीन अल्लाम व वरक